नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये AmiBroker और MetaTrader दोनों के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए, आज को मैं कुछ लाइव वीडियो बना रहा हूँ फॉरेक्स के ऊपर बेस करके। JPY का भी चार्ट आपका चल रहा है लाइव मार्केट के ऊपर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली MT4 का ऊपर बेस करके काम करता है, जिसमें हम लोग स्कैल्पिंग एंड ट्रेंड रिवर्सल का थ्योरी डाल के रखे हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर करता क्या है, सबसे पहले हम लोग को यही जानना है। सॉफ्टवेयर बेसिकली एडुकेशनल पर्पज़ यूज़ किया जाता है मार्केट बिहेवियर को समझने के लिए। तो सॉफ्टवेयर जस्ट हम लोग को एक हेल्प करता है, जो मार्केट का सिचुएशन क्या है, कैसे मुझे ट्रेड करना चाहिए या क्या डिसीजन लेना चाहिए उसके लिए। तो सॉफ्टवेयर मार्केट का बायर्स एंड सेलर्स को फिल्टर करता है और ट्रेंड का ऊपर डिपेंड करके आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है, जो कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, कब आपको निकलना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो सॉफ्टवेयर में देखिए, यहाँ पर रेड कलर का आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज द सेल सिग्नल। और यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का एक एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज द बाय सिग्नल। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा। अब जो मेन चीज़ होता है वो है प्रेडिक्शन। कॉल तो बहुत सारा बनता है, इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, बहुत सारा कॉल अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है। तो देखिए, मैं बिगिनिंग से समझाता हूँ, मार्केट ख़राब है फिर भी ऐसा सिचुएशन में सॉफ्टवेयर कैसे काम दे रहा है। जैसे सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर ने एक सेल का कॉल दिया था। तो कैसे हम लोग कॉल को आइडेंटिफाई करेंगे, जो मुझे इसमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। जैसे ये जो सेल का कॉल है, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन देखते हैं, मिडिल में आपको कुछ रेड टाइप का कैंडल दिखाई देगा, रेड मीन्स सेलिंग ट्रेंड कैंडल। और मिडिल में देखिए आपको एक लाइन दिखाई देगा जो रेड कलर का नीचे गिर रहा है। तो जब ये सेल का कॉल बना था, मुझे दिखाई दे रहा है मेरा दोनों कंडीशन ही मैच है, मतलब ये आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत है। मगर यहाँ पर आपके लिए एक सबसे बड़ा नेगेटिव संकेत ये है, नीचे का वाइट लाइन का कंसेप्ट को देखना है आपको। ऊपर में देखिए दो येलो डॉटेड लाइन चल रहा है, नीचे में दो येलो डॉटेड लाइन चल रहा है। नीचे का दो जो येलो डॉटेड लाइन है वो आपका ओवरसोल्ड जोन को इंडिकेट कर रहे हैं, ऊपर का दो जो येलो डॉटेड लाइन है वो ओवरबॉट जोन। तो जिस टाइम आप सेल करने जा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है वाइट लाइन ऑलरेडी नीचे का येलो लाइन को टच कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये आपके लिए काफ़ी बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, जो आप यहाँ पर फिर से एंट्री मत ले, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। तो इस तरीके का कॉल को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल देखिए, मार्केट यहाँ पर रिवर्स किया था, थोड़ा सा फ्लैट किया और अल्टीमेट फिर एक बार यहाँ पर गिरा था बाद में। जैसा ये जो बाय का कॉल है, देखिए बाय का कॉल में नीचे का रिबन का मिडिल का जो लाइन है उसका कलर ग्रीन हो गया, कैंडल भी देखिए वायलेट हो गया। अब इस टाइम देखिए आपको वाइट लाइन कहाँ पर आपका ये थी किया था, इट दैट इज़ द सिचुएशन। देखिए इस कर्सर का ऊपर लगभग इस कैंडल में, लगभग ये जो कैंडल है यहाँ पर, ये वाइट लाइन नीचे का वाइट लाइन येलो लाइन को टच कर रहा था। मतलब जो बंदा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका सेफ जोन ले सकता है। तो ये नीचे का इंडिकेशन हम लोग को मोमेंटम समझने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, बेसिकली दैट इज़ अ मोमेंटम इंडिकेटर। तो ये मार्केट का मूवमेंट को यूज़ करता है या वेलोसिटी को चेक करता है, जो कितना फास्ट मार्केट में मोमेंटम होता है। तो जैसा अभी देखिए, आपका फिलहाल आपका सामने एक सेलिंग का कॉल चल रहा है, ऑलरेडी एक बार येलो लाइन को टच किया था, मतलब यहाँ पर मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन को टच किया था, फिर मार्केट रिवर्स करके फिर देखिए आपका फिर से एक ओवरसोल्ड जोन को टच कर रहा है, मतलब फिर से यहाँ से शायद मार्केट रिवर्स बैक हो सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर नॉट ओनली फॉर फॉरेक्स, आप इसमें कैश फ्यूचर कमोडिटी सब में काम कर सकते हैं। लॉजिक सेम रहेगा, लॉजिक इज़ नॉट डिफरेंट, लॉजिक डिफरेंस नहीं होता है। आप चाहे कोई भी स्क्रिप्ट में काम कीजिए, आपको जस्ट इस सेम फंडा को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो को अच्छा लगेगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरा चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इन फ्यूचर और भी कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलता रहे। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियोस देखना है या फिर मुझे कांटेक्ट करना है, तो वीडियो के नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।